नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति टाइम्स। मैं हूं मनोज यादव। जौनपुर से केपी सिंह, श्याम सिंह यादव और देवव्रत मिश्रा समेत 12 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। छठे चरण के नामांकन के लिए शनिवार को तीसरे दिन कलेक्ट्रेट परिसर में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। सांसद केपी सिंह समेत कुल 12 प्रत्याशियों ने जौनपुर व मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया। जौनपुर से 8 व मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर का रोड शो हुआ तो भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जनसभा करके अपनी ताकत का एहसास कराया। जौनपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर देवव्रत मिश्र के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष व सिनेट स्टार राजबब्बर ने सद्भावना से कलेक्ट्रेट तक रोड शो किया। जौनपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने नामांकन किया। महागठबंधन के बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव तो मछली शहर से टी राम वाहनों के लंबे काफिले के साथ नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें।